देवी प्रसाद घर में नहीं है, किधर है? अरे काय रे देवा, रे देवा, देवी का प्रसाद मंदिर में मिलता है, गराज में नहीं। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप फ्रेंड्स आप सभी लोग वेल एंड गुड होंगे। तो दोस्तों मुझे यार कई लोग मिलते हैं, या फिर यार मैं कई लोगों को देखा भी हुआ है कि यार वो अपना जो क्लैश ऑफ क्लैंस का रजिस्टर्ड ईमेल आईडी सुपर साइज आईडी से जो उनका कनेक्टेड रहता है ना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, उनको वो चेंज करना चाहते हैं। बट वो जो चेंज करना चाहते हैं तो वो उनको पता नहीं होता कैसे चेंज करना है, और इसी चक्कर में यार वो गलत गलत वेबसाइट पे चल जाते हैं, और जहाँ यार कोई कुछ बोल रहा होता है कोई कुछ, इस सब चक्कर में ना वो अपना जो आईडी है ना क्लैश ऑफ क्लैंस का अकाउंट है उसको ख़राब कर देते हैं। तो यार इन सब झंझट में मत पड़ो, आपका भाई आपके लिए स्पेशल वीडियो लेकर आ चुका है। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखना और बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो आप यार कन्फ्यूज़ हो जाओगे। और अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आप 100% समझ जाओगे कि अपने जो क्लैश ऑफ क्लैन का रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उसको किसी और ईमेल आईडी पर ट्रांसफ़र कैसे करें। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, शॉर्ट वीडियो है, तो प्लीज़ एक लाइक कर देना पसंद आए, और नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर देना। और एक ही बात कहता हूँ, चैनल पर पहली रेड कलर का जो आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा ना उसको ठोक डालो। चलो यार लेट्स गेट स्टार्ट, शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देना चाहता हूँ कि यार अगर आपका क्लैश ऑफ क्लैंस अकाउंट गूगल प्ले और अपना सुपरसेल आईडी से कनेक्टेड है तभी आप अपना जो क्लैश ऑफ क्लैंस अकाउंट है के ईमेल आईडी को दूसरे ईमेल आईडी पर ट्रांसफ़र कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते हो। तो ये दो बात याद रखो, अगर आपको ट्रांसफ़र करना है तो गूगल प्ले और सुपरसेल आईडी से कनेक्टेड होना चाहिए। चलो दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको सिंपली सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करके कनेक्टेड के ऑप्शन पर जाना है। कनेक्टेड के ऑप्शन पर जाने के बाद आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है सेटिंग के ऑप्शन पर। सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैंने राजेश वाली आईडी रखी जो कि आर एक स्टार्टिंग के लेटर्स है, और बाकी मैंने हाइड किया हुआ है क्योंकि प्राइवेसी होती है। चलो आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको हेल्प एंड सपोर्ट ऑप्शन मिलेगा नीचे की तरफ, उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद ओके यहाँ पर आई थिंक अकाउंट ओके अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट अस पे चले जाना है। उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली मैसेजेस पर क्लिक कर देना है। मैसेजेस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन पूछेगा, बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा, आई थिंक 5 से 6 क्वेश्चन है। सबसे पहले तो सिंपली हेलो भेजना है, हेलो के बाद सेकंड क्वेश्चन ये पूछता है, तो यहाँ पर आपको लास्ट ऑप्शन अदर पर क्लिक करना है। अदर पर क्लिक करने के बाद अगला क्वेश्चन भाई साहब क्या है, यहाँ पर आपको करना है सुपरसेल आईडी, सेकंड ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ा टाइम लेगा आई थिंक ओके यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन मिलता है ओपीटी आउट ऑफ सुपरसेल आईडी, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ भैया इतना बड़ा कौन पड़ेगा, मुझे पता है यार क्या पूछ रहा है, आपको सिंपली डिसकनेक्ट दिस अकाउंट पर क्लिक कर देना है। तो प्लीज़ अगर ये जो रोबोट है थोड़ा टाइम लेता है क्वेश्चन पूछने में तो रुक जाना, काट मत देना डर के मरे। ओके बिल्कुल सेफ है, क्लैश ऑफ क्लैंस का सपोर्टर है तो सेफ ही होगा। चलो यार यहाँ पर थोड़ा टाइम ले रहा है। ओके यहाँ पर लेटेस्ट वाई यू विश टू डिसकनेक्ट, यहाँ पर दोस्तों मैं जो लिख रहा हूँ वही आपको एज इट इज़ लिख देना है, वहाँ पर जहाँ पर आप चेंज करना चाहते हो। ये देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ रिमूव सुपरसेल आईडी, गो बैक, या फिर यार मैं जो लिख रहा हूँ ना मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा या फिर कॉमेंट में पिन कर दूँगा, आप वहाँ पर ईज़िली जाकर देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको गूगल प्ले गेम्स ओके थैंक्स, बस हो गया, बस इतना ही सी लाइन लिखनी है यार, एक लाइन होगी। ओके यहाँ पर सिंपली सेंड कर देते हैं, अब देखते हैं भैया क्या है। इसके बाद यहाँ पर लिखा है यस कंफर्म पे क्लिक कर देना है। यस कंफर्म पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ जा, टाइम लेता है बहुत यार। चलो ओके इसके बाद आपको क्या करना है, नो थैंक्स पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर यस पर क्लिक करने के बाद ख़त्म भैया, मतलब कि केबीसी का सवाल पूछने लग गया है ये तो। चलो एंड कर देते हैं, 5-स्टार रेटिंग दे दी बस। अब क्या करना है, अपने जो इसको है ना बैक स्पेस जो होता है ना बैक कर लो पूरा, अब आपकी जो गेम है ना पूरा कट के चालू होगा। ओके तो दोस्तों यहाँ पर आपको प्ले विदाउट सुपरसेल आईडी पर क्लिक कर देना है। और अब भैया यहाँ पर हमारा काम आएगा गूगल प्ले का, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था आपका गूगल प्ले से कनेक्टेड होना चाहिए। तो यहाँ पर लोड विलेज का ऑप्शन उसी के करके आ रहा है। चलो यहाँ पर लोड पर क्लिक कर देते हैं। लोड पर क्लिक करने के बाद ओके
यहाँ पर अब आपका जो गूगल प्ले से अपने कनेक्टेड रखा रहा हूँ वो आ गया है, और आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है वो डिसकनेक्ट हो चुका है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डिसकनेक्ट, जो कि वीडियो के स्टार्टिंग में कनेक्टेड में था, और अब यहाँ पर आपको करना है कनेक्ट न्यू रजिस्टर्ड करना है। मतलब ये फिर यहाँ पर आपको सिंपली रजिस्टर्ड सुपरसेल आईडी पर चले जाना है, और उसके बाद कंटिन्यू करना है, और यहाँ पर आपको ईमेल आईडी टाइप करनी है। अब भैया ब्रांड न्यू ईमेल आईडी होनी चाहिए, कोई और सुपरसेल आईडी उससे कनेक्ट नहीं होनी चाहिए, एकदम ब्रांड न्यू होनी चाहिए। और यहाँ पर मैं अपनी ईमेल आईडी हाइड कर रहा हूँ क्योंकि प्राइवेसी होती है, और चलो यहाँ पर टिक कर देते हैं और रजिस्टर्ड पर क्लिक करते हैं। और यहाँ पर अब आपको अपने ईमेल अकाउंट पर एक मैसेज आएगा, ओटीपी आएगा, आपको वो यहाँ पर फिल कर देना है। ओके जस्ट वेट यार, मैं भी लेकर आऊँ। ओके यहाँ पर मैं आपके सामने कर देता हूँ। चलो यार सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर यू आर ऑल सेट पे आ गया। अब ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर थोड़ा टाइम लेगा। ओके हो गया। चलो यहाँ पर अब ये तो फालतू की चीज़ें ही हैं, मतलब कोई काम की नहीं है। हमारा जो मेन क्राइटेरिया था वीडियो का कि चेंज करना है, हमने वो ट्रांसफ़र कर लिया है अपने एक ईमेल आईडी से दूसरी ईमेल आईडी पर। यहाँ पर आपको मैं दिखा भी देता हूँ सेटिंग पर जाके। अब देख सकते हैं दोस्तों, जो पहले डिसकनेक्टेड था वो कनेक्टेड में चेंज हो चुका है। यहाँ पर फिर आप कनेक्टेड पर जाओ, और वहाँ पर आप फिर सेटिंग के ऑप्शन पर अगर जाओगे, यहाँ पर सेटिंग के ऑप्शन पे जाने के बाद अब आप देख सकते हो जो आपकी पहली वाली ईमेल आईडी थी वो चेंज होकर न्यू ईमेल आईडी पे आ गई है, क्योंकि लास्ट टाइम मेरी आर ए थी और ये थी ए एन। तो बस आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को रेड कलर का सब्सक्राइब बटन याद है ना, उसको ठोक डालो। और चलो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय।